हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहतिशाम उलहक और इस वाली वीडियो में हम स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे। इसमें स्क्वायर पैटर्न कैसे बनाना है प्रोग्राम फॉर लूप से। तो सबसे पहले हमने इंटीजर में आई और एन असाइन कर लिए और फिर हमने आई को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया वंस के साथ। और आई इसमें फाइव इज़ ग्रेटर देन आई क्योंकि आई वन है और इसमें हम लोग फिर आई इंक्रीमेंट करेंगे। फिर नेस्टेड लूप हमने किया, नेस्टेड लूप में हमने फॉर एन ले लिया जो एन ऊपर साइन किया तो इसमें एन की वैल्यू वन इनिशियलाइज कर दी, फिर जिसमें हमने फाइव वैल्यू था जो एन से ग्रेटर है फिर इसमें एन इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमने सी आउट ली जिसमें स्टार हमने प्रिंट करना था, स्टार ये स्टार प्रिंट करने थे, फिर स्टार ले लिया और फिर एंड लाइन कर ली ताकि लाइन चेंज होती रहे। अब प्रिंट कैसे होगा, सबसे पहले तो हम लोग फाइव की वैल्यू अभी सॉरी एन की वैल्यू अभी ऊपर हमने देखा स्टेटमेंट, इसमें आई वन वैल्यू वन थी ट्रू इट स्टेटमेंट नीचे आ गया। नीचे आया तो इसने चेक करने के लिए फाइव तक चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा पूरा फाइव तक। और जब कैलकुलेट जितनी दफ़ा करेगा, पहले एक दफ़ा किया एक स्टार प्रिंट हो गया यहाँ पे, एक दफ़ा स्टार प्रिंट हो गया, फिर दूसरी दफ़ा की इसी तरह पाँच दफ़ा करेगा। पाँच दफ़ा जब प्रिंट हो जाएगा ये वाला, पाँच दफ़ा प्रिंट हो गया फिर ऊपर चला जाएगा वापस, नहीं सॉरी नीचे, फिर नीचे एंड लाइन आ जाएगी, एंड लाइन में यहाँ एंड लाइन हो जाएगी, ये एन हो गया। अब फिर दोबारा यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, इसमें फिर दोबारा ट्रेस करेगा। अभी आई हमारे पास वैल्यू टू होगी क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका है, इसमें आई की वैल्यू टू हो चुकी है तो टू ही। फिर यहाँ पर आया दोबारा, फिर इसने दोबारा फाइव दफ़ा ये किया, फिर ये नीचे एंड लाइन हुई, एंड लाइन हो गई यहाँ पर और फिर ऊपर चला गया। फिर अभी आई की वैल्यू थ्री हो चुकी है, अब भाई दोबारा आया नीचे, फिर दोबारा इसने की प्रिंट, फिर एंड लाइन हुआ यहाँ पे, फिर ऊपर चला गया, फिर इसमें अब वैल्यू फोर हो चुकी है। इसी तरह दोबारा नीचे आया, ट्रू ही वैल्यू भी ट्रू है फोर, जो फाइव ग्रेटर है फोर से ऑफ कोर्स। फिर नीचे आ गया, फिर इसने प्रिंट किया इसने बारी बारी पाँच दफ़ा, ये फिर पाँच दफ़ा प्रिंट किया और फिर नीचे एंड लाइन हो गई यहाँ पर, फिर दोबारा ऊपर गया। अब फाइव वैल्यू होगी इक्वल, हमने अब इक्वल डाला, अगर नहीं डालते तो यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ तक होता है, ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता। अब फाइव इक्वल डाला हुआ तो हमने फाइव ग्रेटर, अब इक्वल है, अभी ट्रू है स्टेटमेंट, तो हम लोग यहाँ पे दोबारा इसने प्रिंट किया ये सारा प्रिंट किया और फिर एंड लाइन होगी। अब ये वैल्यू सिक्स हो चुकी है तो सिक्स फॉल्स होती है, इसलिए इसने यहाँ पे प्रोग्राम रोक लिया और हमारा बन गया। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ लोकल करके विंडोज़ डिबगर से। अच्छा ये देखें बन चुका है, इसी तरह बिल्कुल इसने सब बनाया है और ये स्क्वायर पैटर्न बन चुका है हमारा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहतिशाम उलहक और इस वाली में हम लोग राइट ट्रायंगल पैटर्न कैसे करते हैं C++ में वो पढ़ेंगे। अच्छा इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोगों ने पहले इंट में आई और एन असाइन कर दिया जो वेरिएबल हैं, फिर आई में हमने आई इनिशियलाइज किया जिसमें हमने वन वैल्यू डाल दी। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें ये हमने फिर आई इसमें आई इंक्रीमेंट करेंगे और अभी हम लोग फिर हम लोग नेस्टेड इसको जो इसके अंदर आता है वो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। तो इसमें हमने एन की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जिसमें वन वैल्यू दे दी और इसको इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब हम लोग देखते हैं ये पैटर्न बनेगा कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब ये वैल्यू ये वन कैसे आया, इसके लिए हमने देखा कि पहले अभी आई की वैल्यू वन है तो ये फाइव से वैल्यू कम है और ये ट्रू स्टेटमेंट जो हमने बनाया हुआ है और फिर ये नीचे आ गया अंदर नेस्टेड लूप में आ गए। इसमें देखा इसने एन की वैल्यू वन है और आई की वैल्यू भी वन है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इक्वल डाला हमने साइन तो ये नीचे आ गया, इसने एक ये स्टार प्रिंट किया और फिर यहाँ पे एंड लाइन होगी, ये एंड लाइन होगी यहाँ पे, फिर दोबारा ऊपर चला गया, ये इसने अब इंक्रीमेंट किया है आई, इसमें टू होगी वैल्यू, अभी भी वैल्यू ट्रू है तो नीचे आ गया दोबारा, इसमें आई की वैल्यू टू हो चुकी है तो इसने दो दफ़ा कैलकुलेशन की, दो दफ़ा स्टार प्रिंट कर दी यहाँ पे और फिर एंड लाइन हो गई, दोबारा नीचे आया तो ये एंड लाइन हो चुकी है। फिर दोबारा ऊपर गया तो आई की वैल्यू थ्री हो चुकी थी, इसने टू स्टेटमेंट अभी यहाँ पे भी और इस नीचे आ गया और यहाँ पे भी आई थ्री वैल्यू थ्री हो चुकी है ऑफकोर्स, तो उसने तीन दफ़ा कैलकुलेट किया और यहाँ पर तीन दफ़ा आ जाएगा, फिर लाइन एंड लाइन होगी। फिर इसी तरह इसने फोर वैल्यू की और यहाँ भी फोर वैल्यू हो गई, इसने फोर दफ़ा कैलकुलेशन की और फिर एंड लाइन हो गई, फिर इसी तरह फाइव वैल्यू हो गई। अब जब फाइव वैल्यू हो चुकी है तो अब
उस स्टेटमेंट हो चुकी है, अब दोबारा जब यहाँ एंड लाइन हो जाएगी अब इसकी जब दोबारा इंक्रीमेंट होगा सिक्स वैल्यू होगी, अब तो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगी ना, क्योंकि फाइव से तो फाइव ग्रेटर नहीं होता सिक्स से, फिर सिक्स ग्रेटर होता है, जो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है उसके हिसाब से तो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा राइट ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा, इस तरह बनता है राइट ट्रायंगल। अब यहाँ से भी करके दिखाया था रन, ये देखें इस तरह बन चुका है बिल्कुल, आप ट्राई करें खुद बन जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इतिशाम उलक और इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राइट ट्रायंगल को रिवर्स ऑर्डर में कैसे बनाना है। अच्छा, इसमें हम लोग वैल्यूज हटा देते हैं पहले। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने इसी तरह आई और एन को साइन किया यहाँ पे और आई की वैल्यू वन इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे, इसमें हमने फाइव वैल्यू डाली और कंडीशन डाल दी ये वाली और आई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर हमने नेस्टेड लूप में आ गए, हमने वन एन को यहाँ पे वन इनिशियलाइज किया और ये वाली कंडीशन डाल दी। अब मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में क्यों डाली हमने, और एन प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया हमने और फिर सी आउट और एंड लाइन। सबसे पहले देखेंगे अभी आई की वैल्यू वन है और वन यहाँ पे डाल देंगे, फिर हम लोग ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, हम लोग अंदर आ गए नेस्टेड लूप में। अब नेस्टेड लूप में हमने रिवर्स ऑर्डर में बनाने के लिए ये करना है कि जो आई की वैल्यू वन है अभी यहाँ पर भी वैल्यू वन होगी। अब वैल्यू वन होगी कैसे, वैल्यू वन होगी रुके, अच्छा अब सही, अच्छा वन होगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वन है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू फाइव डाली हुई थी, ये एक लॉजिक वैल्यू है, लॉजिक देखनी पड़ती है कि हम लोग किस तरह कर रहे हैं, जिसके पास लॉजिक होगी वो बना लेगा, लॉजिक बिल्ड करनी पड़ती है इसके लिए। अच्छा आई की वैल्यू वन फाइव से माइनस हुआ फाइव, हम लोग अगर यहाँ पे चार करना चाह रहे थे तो हम लोग यहाँ पे सिक्स डाल देते हैं, वो कंडीशन के वाइज देख लेते हैं इंसान, वो मतलब किस तरह की हम लोग प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, किस तरह के प्रिंट आउटपुट लेकर आना चाह रहे हैं। अभी मैं लेकर आना चाह रहा हूँ यहाँ पे चार, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फाइव को किया और अभी क्या हुआ, वन माइनस फाइव माइनस वन फोर हो जाता है, यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो गई क्योंकि अभी फोर भी हम ग्रेटर है वन से, तो यहाँ पे प्रिंट किया इसने और इसी तरह कैलकुलेशन की उसने और चार दफ़ा प्रिंट कर दिया स्टार्स। ओके, फिर एंड लाइन हो गई, फिर इसी तरह एंड लाइन होगी, फिर ऊपर वैल्यू ऊपर गए हम लोग दोबारा बाहर गए नेस्टेड लूप सॉरी आउट लूप, और यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हुआ और अभी वैल्यू टू हो चुकी है और यहाँ पे भी टू हो जाएगी, और यहाँ पे टू हो गई तो यहाँ पे फाइव माइनस टू कितना होता है थ्री होता है, तो थ्री दफ़ा इसने स्टार प्रिंट किया और फिर एंड लाइन हो गई यहाँ पे, फिर इसी तरह यहाँ पे वैल्यू थ्री हुई और यहाँ पे वैल्यू थ्री हो गई और इसने थ्री दफ़ा और सॉरी थ्री माइनस फाइव कितना होता है टू दफ़ा होता है, टू दफ़ा इसने कैलकुलेशन की, फिर हमने यहाँ पे फोर हो गया और यहाँ पे फोर हो जाएगा, और इसने फोर दफ़ा फोर माइनस फाइव कितना होता है वन होता है, तो इसने वन दफ़ा कैलकुलेट प्रिंट किया, फिर यहाँ पे फाइव हो जाएगा। अब फाइव हो गया तो यहाँ पे फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव कितना होता है ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो ग्रेटर नहीं होता वन से, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और यहीं पे रोक देगा और ये हमारा रिवर्स ट्रायंगल में बन चुका है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि लेफ्ट ट्रायंगल कैसे बनाते हैं ये वाला यूजिंग स्टार्स। तो सबसे पहले हमने इसमें इंट में इनिशलाइज कर दिया थ्री वेरिएबल्स जिसमें आई एन के थे, और हमने अब क्या किया उसमें नेस्टेड टू लूप्स फोर लूप्स किए हमने, और ये हमने स्पेसेस के लिए किया जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो ये लूप किया हमने ट्रायंगल के लिए किया जो हम लोग पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वही इसी तरह यूज़ होगा, और ये हमने स्पेसेस के लिए यूज़ करेंगे बिल्कुल इसी तरह यूज़ करेंगे। अब हमने इसमें क्या किया, आई की वैल्यू वन थी जैसे पहले पढ़ चुके हम लोग, और इसके अंदर हम वही हमने पैटर्न यूज़ किया जिसमें आई की वैल्यू वन है अभी, तो इसने क्या किया स्टेटमेंट ट्रू है, तो अभी इसने अभी आई की वैल्यू स्टार्टिंग से बताता हूँ, आई की वैल्यू वन देगी, इसमें फाइव से वन वैल्यू कम है वन है, और तो ट्रू स्टेटमेंट हुई, फिर नेस्टेड लूप में आ चुका आया वो, उसमें देखा कि इसने तो सबसे पहले इसकी आई वैल्यू वन थी, इसने देखा आई वन वैल्यू है और उसने कैलकुलेशन की जो कंडीशन हमने डाली हुई है, कंडीशन में आई की वैल्यू ओपन वन थी तो यहाँ भी वन थी, तो इसने वन फाइव को माइनस किया वन से, कितनी वैल्यू फोर आ गई। असल में जो हमने यहाँ पे है ना ये फोर स्टार्स हुए हैं, फोर स्टार्स हैं यहाँ पे,
ये स्पेसेस 4 स्टार्स हैं, हमने स्टार की जगह यहाँ पे स्पेसेस ब्लैंक स्पेस डाल दिए, तो यहाँ पे स्पेसेस बन चुकी हैं, इस तरह स्पेसेस बनाते हैं। अच्छा फिर इस स्पेसेस इसने 4 दफ़ा प्रिंट किया क्योंकि 4 वैल्यू 4 वैल्यू बन रही थी, तो इसने 4 दफ़ा प्रिंट किया, फिर नीचे वाली लूप में आ गया। इसने लूप में क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू, के की 1 वैल्यू, अभी यहाँ पर आएगी वैल्यू 1 है, तो रुकें सॉरी आई डालना था यहाँ पे, अच्छा आई डाला इसने यहाँ पे, अभी वैल्यू 1 थी तो इसने एक दफ़ा कैलकुलेशन की और 1 स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ये 1 स्टार प्रिंट हो गया। ओके फिर दोबारा ऊपर गया वो, सॉरी एंड लाइन हुई, फिर एंड लाइन हो चुकी हो गई यहाँ पे, फिर दोबारा बाहर गया इसने, फिर दोबारा देखा है कि वैल्यू ने एक इंक्रीमेंट किया है जो हमने कंडीशन डाली थी, इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, फिर अभी भी स्टेटमेंट ट्रू है, 5 से कम है वैल्यू 2 की, तो अंदर आया, अंदर में इसने यहाँ पे आ गई वैल्यू 2 थी, तो 2 3 दफ़ा 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, तो इसने 3 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट की, ये 3 स्पेसेस प्रिंट कर दी, और फिर अभी नीचे वाली स्टेटमेंट में आया और यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो इसने 2 दफ़ा स्टार प्रिंट कर दिए। फिर बाहर गया एंड लाइन नहीं, फिर बाहर गया, अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है और यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, तो इसने 3 - 5 कितना होता है, 3 - 5 2 होता है, तो इसने 2 दफ़ा ब्लैंक प्रिंट किया यहाँ पे। ठीक, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, अच्छा हो गया प्रिंट हो गया। फिर इसने फिर नीचे वाली स्टेटमेंट में आया जिसमें आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी, इसमें 3 दफ़ा इसने स्टार्ट प्रिंट किया और एंड लाइन हुई और फिर बाहर चला गया। अब 4 वैल्यू होगी यहाँ पे आई की वैल्यू की इंक्रीमेंट होने की वजह से, अब इंक्रीमेंट वक्त तक होता रहेगा जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। इन्फिनिट लूप भी बना सकते थे लेकिन इन्फिनिट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कुछ जगह ज़रूरत पड़ जाती है हम लोग वहाँ पे बनाना पड़ता है, आई डोंट नो अभी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, अभी ज़रूरत नहीं है हमें उस चीज़ की। अच्छा फिर 4 वैल्यू हो गई यहाँ पे भी, तो 4 दफ़ा किया तो इसने यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत इतनी स्पेस की थी, हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते थे लेकिन ज़रूरत इतनी है तो हमने इतना किया। फिर नीचे आया इसने 1 दफ़ा प्रिंट कर दिया यहाँ पे वाला, ठीक नीचे आया यहाँ पे 4 वैल्यू थी, अब सॉरी इसने 4 दफ़ा प्रिंट किया यहाँ पे, फिर एंड लाइन हुई और फिर दोबारा बाहर गया, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो 5 वैल्यू हो चुकी थी यहाँ पे, 5 वैल्यू हुई तो ये फॉल्स हो चुकी थी फॉल्स, तो यहाँ पे इसने प्रिंट नहीं किया। ठीक देखा प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसने यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट किया नीचे वाली और इसने 5 दफ़ा प्रिंट कर दिया, अब 5 हो चुकी है, तो ऊपर अभी एंड लाइन हुई ये प्रिंट करने के बाद स्टार्स, फिर अब 5 ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 6 हुई, तो फॉल्स हो चुकी थी, तो फॉल्स हुई तो ये अब आगे जा नहीं सकता क्योंकि फॉल्स हो चुकी है, तो हमारा जो लेफ्ट ट्रायंगल था वो बन गया है, और जो लेफ्ट ट्रायंगल इसमें आते हैं ये स्पेसेस हैं ये बिल्कुल ही हैं, ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ प्रीवियस 2 लेक्चर्स है, स्टार जो हमने पढ़े थे उनका है, अगर ये समझे हो तो ईजिली बना सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इत्तेशामुल हक और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिरामिड कैसे बनाना है C++ में। अब C++ में एस्ट्रिक के साथ और इसमें हम फॉर लूप से यूज़ करेंगे। अच्छा अब कैसे बनाएंगे, हमने इंटीजर लिया इसमें, हमने 4 वेरिएबल असाइन कर दिए, हमने फिर फॉर लूप में गए, हमने आई को इनिशियलाइज़ किया 1 के साथ और कंडीशन डाल दी 5 is greater than 1, फिर आई को बार बार इंक्रीमेंट करेंगे जब तक स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती। फिर नेस्टेड लूप में गए हम लोगों ने, ये बेसिकली जो हमने 5 लूप्स यूज़ किए हैं हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये मिक्सचर हैं इस चीज़ के, ये 3 जो पैटर्न है इनका मिक्सचर, इनकी जमा है। अब जमा कैसे है मैं समझाता हूँ, अब हम लोगों ने ये वाला जो पैटर्न यूज़ किया बिल्कुल सिमिलर ये जो ब्लैंक स्पेसेस के लिए यूज़ किया है ये बिल्कुल इसी तरह, और ये वाला पैटर्न है इसमें हमने फ़र्क ये है कि इसमें हमने पहले स्टार प्रिंट था, अब सिंपल स्पेसेस प्रिंट होंगी। अब प्रिंट कैसे होंगी अब मैं समझाता हूँ, पहले हमने आई की वैल्यू 1 थी, ये आई 5 से 1 मतलब 5 greater आई 1 से ऑफकोर्स, तो स्टेटमेंट ट्रू, फिर नेस्टेड लूप में गया अंदर, इसमें इसने देखा अभी आई की वैल्यू 1 है तो इसने 5 को -1 से वो कितना होता है 4 होता है, तो इसने 4 स्टार प्रिंट कर दिया। ब्लैंक स्पेस था तो स्पेसेस प्रिंट करनी थी इसने, तो यहाँ पे असल में बेसिकली 4 स्टार्स हैं, इसने 4 स्टार प्रिंट किए। फिर नीचे आया तो अभी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसने 1 कैलकुलेट किया और 1 स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ओके ओके, तो फिर नीचे आया इसने
अच्छा ओके, इसने सिमिलरली फिर ऊपर गया। हाँ अभी आई की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो अभी ग्रेटर नहीं है आई की वैल्यू, मतलब ट्रू नहीं है, तो फिर एंड लाइन हुई यहाँ पे और फिर दोबारा ऊपर चला गया। ओके अब आई की वैल्यू टू हो चुकी है, तो यहाँ पे टू हो जाएगी। इसने फाइव माइनस टू किया तो थ्री का होता है, तो थ्री दफ़ा यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने स्टार्स, असल में ब्लैंक स्पेसेस हो रही हैं, तो फिर नीचे आया यहाँ पे भी टू, टू दफ़ा वो इसने दो दफ़ा प्रिंट कर दिया। अब फिर नीचे आया तो यहाँ पे वैल्यू टू हो चुकी है, तो टू इज़ ग्रेटर देन वन। ओके तो इसने यहाँ पे वन प्रिंट करेगा बस। आप ये आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ पे वन क्यों प्रिंट करेगा ये आप लोग खुद देखें। ओके फिर एंड लाइन की इसने यहाँ पे, आप लोग ट्राई करें इक्वल डाल के भी चेक करें और इक्वल के बगैर भी चेक करें पैटर्न किस तरह का बनता है। ओके फिर दोबारा ऊपर गया और यहाँ पे इसने ब्लैंक स्पेस की, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थ्री हो चुकी थी, तो थ्री माइनस फाइव कितना होता है टू होता है, तो टू दफ़ा इसने स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट। फिर नीचे आया फिर यहाँ पे थ्री हो गया, तो इसने तीन दफ़ा प्रिंट किया, फिर यहाँ पे थ्री होगी वैल्यू, तो इसने दो दफ़ा प्रिंट किया, फिर एंड लाइन हो गई और फिर बाहर गया। फिर इसने फोर लूप देखा, यहाँ पे वैल्यू थ्री हो चुकी थी, सॉरी फोर हो चुकी थी, और इसने फिर यहाँ पे फोर किया इसने प्रिंट, फोर माइनस कितना होता है वन होता है, तो इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पे बस। फिर नीचे आया फोर वैल्यू ही, इसने फोर दफ़ा स्टार प्रिंट किए वाले वन टू थ्री फोर, फिर इसी तरह यहाँ पे फोर तीन दफ़ा करेगा, तीन दफ़ा प्रिंट किया है और फ्रेंड लाइन हो गई। फिर इसी तरह फाइव होगा, अब देखें यहाँ पे फाइव वैल्यू हो चुकी है, तो फाइव माइनस फाइव कितना होता है जीरो होता है, फॉल्स होगी स्टेटमेंट, वन ग्रेटर होता है जीरो ऑफ कोर्स, तो नीचे आ गया। फिर इसने फाइव दफ़ा प्रिंट किया, ये फाइव दफ़ा की प्रिंट किया कितने, हाँ यहाँ था फाइव दफ़ा, फिर नीचे आया तो फाइव वैल्यू हो चुकी थी, उसने फोर दफ़ा प्रिंट किया और ये एंड लाइन हो गई, और फिर ऊपर गया तो सिक्स सिक्स हो गया, फाइव तो ग्रेटर सिक्स ग्रेटर फाइव से, तो ये कंडीशन फॉल हो जाती है। जब भी कंडीशन फॉल हो जाती है तो फिर प्रोग्राम रुकना लूप ख़त्म हो जाता है, और हमारा ये हम जो पैरामीटर बनाना चाह रहे थे हमारी कस्टमाइजेशन के हिसाब से वो हमारा बन चुका है। जज़ाकल्लाह खैरन, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ इत्तेशाम मलिक, और हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में डायमंड शेप कैसे बनाते हैं। अच्छा डायमंड शेप कैसे बनाते हैं, ये सिंपल ट्रिक है। हम लोग पिछले लेक्चर में जिस हमने उन्हें पैरामीड पढ़ा था, उस पैरामीड को हम लोग सिर्फ उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। और स्टार्टिंग में हमने इनिशियल इसमें किया असाइन की चार वेरिएबल आई एन के जेड, फिर हमने फॉर लूप यूज़ किया बनाने के लिए, जिसमें हमने वन इनिशियलाइज कर दिया और उसकी कंडीशन डाल दी जिसमें फाइव ग्रेटर है ग्रेटर देन वन है और आई को इंक्रीमेंट करेंगे बार बार। फिर हमने ये दे दिया लूप्स बनाए, इसमें लूप्स बेसिकली इसमें ये मिक्सचर है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी तरह हम लोग बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे चलिए बताता हूँ। हम लोग अभी आई की वैल्यू यहाँ पे वन है ऑफ कोर्स, जिस तरह ये वैल्यू अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आई यहाँ पे वन आया, तो फाइव फाइव माइनस वन कितना होता है फोर होता है, तो ये जो प्रिंट है यहाँ पे इसी तरह फोर दफ़ा प्रिंट कर देगी ब्लैंक स्पेस, हमने स्पेसिस अभी स्टार नहीं डाला ब्लैंक स्पेस डाला होता, ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगी चार दफ़ा, तो इसी तरह इसमें आ जाएगा। अभी आई की वैल्यू वन है तो आई एक स्टार प्रिंट कर देगा। ओके फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी इक्वल नहीं है तो अभी यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं करेगा, तो ये डायरेक्ट एंड लाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे एंड लाइन हो गया। ओके फिर दोबारा ऊपर गया, अभी स्टेटमेंट टू हो चुकी है, तो वैल्यू टू हो जाएगी यहाँ पे, टू माइनस फाइव कितना होता है थ्री होता है, तो थ्री दफ़ा स्टार यहाँ पे प्रिंट कर लेगा और फिर नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे टू हो गया तो टू दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे भी टू हो गया तो यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट करेगा। फिर इधर से आ जाएंगे हम लोग, फिर दोबारा आ जाएंगे थ्री, और थ्री माइनस फाइव कितना होता है टू होता है, तो टू दफ़ा प्रिंट करेगा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, फिर टू आ जाएगा। ओके फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे तीन दफ़ा हम प्रिंट कर देंगे, फिर यहाँ पे भी तीन दफ़ा होगा तो दो दफ़ा प्रिंट कर देंगे,
ये आपकी होमवर्क मैंने दिया था पिछली बार, आप लोग देख लें, यूट्यूब से सर्च करें कहाँ से करें, लॉजिक बनाएं क्यों, मतलब दो दफ़ा क्यों कर रहे हैं। ओके फिर एंड लाइन हो गई यहाँ पे, फिर दोबारा ऊपर आ गए, फिर फोर हुआ, फिर फोर माइनस फाइव कितना होता है वन, फिर सिर्फ वन दफ़ा प्रिंट करेगा, फिर इसी तरह यहाँ पे फोर हो जाएगा, यहाँ पे भी फोर दफ़ा प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे फोर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ थ्री दफ़ा प्रिंट करेगा, फिर एंड लाइन हो जाएगी। अब यहाँ तक हमारा बन चुका है ओके। अब फाइव आया, फाइव माइनस फाइव कितना होता है ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे बनाएगा नहीं कुछ, ये कुछ नहीं करेगा, ब्लैंक स्पेस नहीं करेगा, फॉल्स होगी स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाती, लूप खत्म हो जाता। फिर यहाँ पे फाइव दफ़ा हुआ तो फाइव दफ़ा इसने प्रिंट किया यहाँ पे, यहाँ तक हाँ यहाँ तक किया ओके हाँ, तो यहाँ तक किया इसने प्रिंट, फिर यहाँ पे फाइव हुआ तो इसने फोर दफ़ा प्रिंट किया इस लूप को इस जगह, फिर एंड लाइन हो गई। अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब ट्रिक ये है कि इसी को जो हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, जो जो लूप ये वाला लूप है इसको हम लोग डिक्रीमेंट में लेके जाएंगे। डिक्रीमेंट मतलब आई की वैल्यू को फाइव इनिशियलाइज करेंगे और ये और इसको आई को ग्रेटर कर देंगे। अब कैसे करेंगे चलो बताते हैं। आई फाइव हो गया, दोबारा सही कर देते हैं, सॉरी वन कर दें इसको। अब नीचे गए हम लोग, अब इसमें क्या हुआ कि हमने आई को फाइव कर दिया और डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट अगर ए प्लस कर रहे होते तो फिर तो फॉल्स होती क्योंकि वन ग्रेटर नहीं है उससे, तो फिर फॉल्स हो जाती। तो डिक्रीमेंट करना है हमें, यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है। तो अब इसी तरह क्या होगा, फोर हो जाएगी स्टार्टिंग में, अभी आई यहाँ पे वन है, अभी फाइव है यहाँ पे सॉरी, तो फाइव माने फाइव कितना होता है ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पे इस तरह सब बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा, प्रिंट नीचे आ जाएगा इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, और उल्टा हो जाएगा, फिर एंड लाइन इस तरह चलता रहेगा जिस तरह बिल्कुल प्रोग्राम पहले किया था और उसने तरह होगा। चलो आपको मैं करके दिखाया था, ये रहा इस तरह बन जाएगा बिल्कुल इसी तरह। चलें ओके, जज़ाकअल्लाह खैरन, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इत्तेशाम मलिक, और इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हार्ट शेप कैसे बनाते हैं। अब हार्ट शेप और ये मेथड हम लोग C++ में भी और सी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़, एक किस्म दोनों ही सेम ही लैंग्वेजेस हैं ओके। अब इसमें हम लोग फोर लूप यूज़ करेंगे और इंटीजर में हम लोग आई ए बी सी डी ई एफ जी और जेड इनिशियलाइज कर देंगे। अभी जेड की हमें सॉरी असाइन कर देंगे, अभी जेड की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग जेड हटा देते हैं ओके। अब हमने क्या क्या किया इसमें, मैं आप लोगों को पहले मेथड समझा देता हूँ कैसे बनाएंगे इन दोनों का। ये सिर्फ दोनों हम लोग ये दोनों मेथड यूज़ करेंगे और इन दोनों को मिला के हम लोग सारे ये पूरा अपना शेप बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ओके, लेट्स सी। अब पहले तो हम लोग यहाँ पे एक ये इन रिवर्स ट्रायंगल मेथड ले लेते हैं, ये वाला एक दफ़ा यूज़ हो गया यहाँ पे, फिर दोबारा हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला अब ये भी एक दफ़ा हो गया, अब फिर दोबारा हम ये वाला यूज़ करेंगे कितनी दफ़ा, एक दफ़ा दोबारा, अब दो दफ़ा हो गया, अब दोबारा हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे दो दफ़ा हो गया, फिर एक और दफ़ा हम लोग यूज़ करेंगे इधर वाला, क्योंकि स्पेसिस हम लोग ये लॉजिक होती है कि हम लोग कब यूज़ करनी है मेथड्स और शेप क्या बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से ओके। अब ये कितनी दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, अब एक और दफ़ा हम लोग अभी बनाएंगे थर्ड दफ़ा ये वाली शेप ट्रायंगल वाली, अब एक और दफ़ा बनाएंगे यहाँ पे भी, ये फोर्थ चार दफ़ा ट्रायंगल वाली और तीन दफ़ा रिवर्स ट्रायंगल वाली ओके। अब ये मेथड फॉलो कैसे होगा आप अभी यहाँ पे देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने आई की वैल्यू वन के साथ रेशनलाइज कर दी और फाइव और ये वाली कंडीशन दे दी ओके, और आई इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसमें भी हमने ए इनिशियलाइज कर दिया और ये वाली कंडीशन डाल दी। अब ये कंडीशन क्यों डाली, अब देखें यहाँ पे आई की वैल्यू वन थी क्योंकि आई की वैल्यू वन है, तो हम लोग अंदर ये वैल्यू ट्रू होगी क्योंकि फाइव वन फाइव ग्रेटर वन से, और हम जो कंडीशन वाली उसके हिसाब से ये कंडीशन ट्रू बन रही ओके। फिर अंदर नेस्टेड लूप में आ गए हम लोग, अब नेस्टेड लूप में भी आ ली वहाँ पे वन है क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू ऊपर वन डाली हुई है, अब वन डाली हुई है, तो अब ये करेगा कैलकुलेट फाइव माइनस वन कितना होता है फोर दफ़ा होता है, तो फोर दफ़ा कंडीशन ट्रू ही अभी ग्रेटर है वन से, तो ये इसने चार दफ़ा इस स्पेसिस प्रिंट कर दी यहाँ पे,
स्टार्टिंग में, अभी स्टार्टिंग लूप है ना, यहाँ पे चार दफ़ा कर दी, फिर नीचे ट्रू, नीचे आ गया, ये ख़त्म हुआ तो नीचे आया, तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 है, तो इसने एक दफ़ा स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और इसको मैं मटा लेता हूँ ज़रा सा, ओके। हाँ, अब क्या हुआ, इसने अब नीचे आया, इधर आया, इसने यहाँ पे भी एक दफ़ा स्टार प्रिंट कर लिया, फिर ये वाला स्टार प्रिंट किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे भी इसके आई की वैल्यू आती है, यहाँ पे भी आई की वैल्यू आती है ऑफ कोर्स। तो इसने भी मैं कैलकुलेशन की, और 4 5-1 कितना होता है, 4 होता है, तो इसने यहाँ पे भी 4 दफ़ा ब्लैंक स्पेस से प्रिंट की, ओके। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे भी इसने 4 दफ़ा स्पेस से प्रिंट कर दी, अब फिर नीचे आया, इसने यहाँ पे भी वैल्यू 1 देखी, तो एक दफ़ा स्टार प्रिंट कर दिया, ये वाला स्टार प्रिंट कर दिया यहाँ पे, फिर दोबारा नीचे आया, ख़त्म हुआ तो ऊपर वाला, तो इसने यहाँ पे भी एक दफ़ा स्टार प्रिंट कर दी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वैल्यू 1 है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हेडलाइन हो गई, हेडलाइन हुई तो दोबारा ऊपर चला गया, वापस आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट हुई तो आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक, आई की वैल्यू 2 इंक्रीमेंट हुई, तो अब फिर ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 ग्रेटर अभी भी 2 से, तो अंदर आ गया, यहाँ पे भी दोबारा 2 हुई वैल्यू। अब इसने 2-5 किया तो 3 दफ़ा प्रिंट होगी यहाँ पे वैल्यू, तो क्योंकि 3 वैल्यू होती है, 3 दफ़ा इसने प्रिंट किया। इसमें भी सिमिलर, यहाँ पे भी एक किया 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा स्टार प्रिंट हुआ, यहाँ पे भी 2 दफ़ा किया, यहाँ पे भी 2 वैल्यू हो जाएगी, तो 2 दफ़ा स्टार प्रिंट होगा। और इसी तरह यहाँ पे भी आई की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे 3 दफ़ा इसने यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर दी। सिमिलरली इसमें भी, यहाँ पे इसने भी, यहाँ पे 2 दफ़ा, 2-5-2 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 दफ़ा यहाँ पे प्रिंट कर दी। फिर सिमिलर यहाँ पे भी 2 दफ़ा स्टार प्रिंट कर दिया इसने, और यहाँ पे भी इसने 2 दफ़ा स्टार प्रिंट कर दिया, और फिर एंड लाइन होगी, यहाँ पे एंड लाइन कर लिया इसने, सही, ओके। फिर दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल ये मेथड फॉलो होगा जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। अब 3 हुई तो 3 इसने यहाँ पे प्रिंट किया, 3 कितना होता है, 2-5-2 होता है, तो 2 दफ़ा प्रिंट कर लिया। इसी तरह यहाँ पे 3 दफ़ा प्रिंट होगी वैल्यू, क्योंकि 3 दफ़ा दी, 3 दफ़ा और 3 दफ़ा कैलकुलेट होगा, प्रिंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे फिर 2 दफ़ा हो गए प्रिंट स्पेसिस, फिर 2 स्पेसिस यहाँ प्रिंट होगी, 3 दफ़ा यहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो जाएगी, फिर उस वाले लूप के हिसाब से यहाँ पे भी 3 दफ़ा होगी। फिर नीचे जब आएगा तो यहाँ पे वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी, और 4-5 कितना होता है, 1 होता है, तो सिर्फ 1 स्पेसिस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे 4 दफ़ा स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 4 दफ़ा स्टार प्रिंट हो गए, यहाँ पे भी एक दफ़ा स्टार प्रिंट स्पेसिस प्रिंट होंगी, फिर यहाँ पे 4 दफ़ा स्टार, यहाँ पे भी 4 दफ़ा स्टार प्रिंट हो जाएंगी। जब वैल्यू 5 हो जाएगी फिर क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यू 5 हो गई। अब 5-5 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 जो होता है 1 से ग्रेटर नहीं है, 1 ग्रेटर, तो ये कंडीशन के हिसाब से फॉल्स हो गया, तो लूप रुक जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे फिर ओके, मैं आपको मटा के दिखा देता हूँ, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं होगी इस वाली में, ये भी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अभी इस वाली में हम पढ़ रहे हैं, इस वाली में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट नहीं हुई, देखिए यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट नहीं हुई। फिर यहाँ पे आया तो इसने 5 दफ़ा स्टार प्रिंट किया, ये स्टार प्रिंट कर दिया 5 दफ़ा, फिर उसी हिसाब से नीचे वाले लूप में भी 5 दफ़ा स्टार प्रिंट किया, फिर उसके स्पेसिस नहीं होंगे क्योंकि फॉल्स हो चुका है वो, यहाँ पे भी स्पेसिस नहीं प्रिंट होंगी, तो यहाँ पे भी इसने 5 दफ़ा प्रिंट कर दिया, यहाँ पे भी 5 दफ़ा प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, अब आप पूछ होंगे हम लोगों ने फिर ये कैसे प्रिंट किया, नीचे वाली डिक्री, असल में नीचे वाला पिरामिड, उल्टा पिरामिड कैसे बनाया। अभी असल में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं पिरामिड कैसे बनाना है, आप लोग पहले वो देख लें अगर नहीं पता उस चीज़ के बारे में, फिर हम लोग अगर नहीं देख रहे तो यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ, मसला नहीं, ओके। हमने असल में मेथड यूज़ किया है, पहले आपको समझाता हूँ कैसे यूज़ किया, इसमें भी यही हम लोग मेथड यूज़ करेंगे दोनों। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले, सबसे पहले तो स्पेसिस के लिए डिक्रीमेंट वाला यूज़ किया, ये वाला मेथड यूज़ किया, फिर यहाँ पे हमने 2 दफ़ा ट्रायंगल वाला यूज़ किया, बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने ऊपर वाले में किया, इन वाले में किया, इसी तरह यहाँ पे भी करना। अब फ़र्क ये है कि हम लोग उल्टा करने के लिए हम लोगों ने जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीमेंट होंगी,
डिक्रीमेंट कैसे होंगी, अब हमने आई की वैल्यू 10 कर दी और इसको हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे बार बार ताकि जब तक जीरो नहीं हो जाती फिर वन ग्रेटर होगा तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। कैसे होगी मत बताया था, अभी आई की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 हुई तो 10-10 कितना होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पर स्पेसिस प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि फॉल्स होगी। यहाँ पर कितनी दफ़ा, यहाँ पर आई की वैल्यू 10 है तो 10 दफ़ा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह इसमें भी 10 दफ़ा स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगी, बिल्कुल सिमिलर ये मेथड स्टार्ट होगा, ये 9 हो जाएगी, सॉरी 9 और 9 दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा, ये एक दफ़ा 9-10 को इतना 1 होता है तो यहाँ पे समान स्पेस प्रिंट होगी। इसी तरह पूरा मेथड चलता रहेगा और ये वाला पूरा प्रिंट करेगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाती, जब ये वैल्यू डिक्रीमेंट 0 तक ना चले जाए अब तक ये प्रिंट करते रहेंगे, ये फिर यहाँ जाके प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग ये मेथड और अभी जो मैंने बताई चीज़ हम लोग और भी इस तरह शेप्स बना सकते हैं, इनको खेल आगे पीछे करके, आप एक दफ़ा प्रिंट करके दिखाया था आउटपुट लाके, आउटपुट कैसे आती है, ये रही हमारी आउटपुट। अब हम लोग अगर यहाँ पे स्पेसिस लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्पेस इसको थोड़ा जो हट है इसको दिल को यहाँ से थोड़ा यहाँ पे लेकर आना चाह रहे हैं तो कैसे लेके आए, अब हम लोग अब आप खुद सोचें पहले थोड़ी देर पॉज करके यूट्यूब करके, फिर अगर नहीं समझ आती तो फिर देखें यूट्यूब। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। असल में ट्रिक ये है कि हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे यहाँ पे जेड और इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ पे फोर लूप बनाएंगे, फोर लूप में हम लोग जेड को इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से और जेड कंडीशन डाल देंगे फिर जिसमें हम लोग वैल्यू 5 डालेंगे और जेड को क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे। जेड सी आउट ले आते हैं स्पेसिस और सेमीकोलन। ओके सिमिलरली इसको भी हम लोग नीचे भी स्पेसिस, इधर भी स्पेसिस लानी है, ऊपर भी, ऊपर तो आ गई स्पेसिस, अब नीचे भी लेके आनी है तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। अब चेक करते हैं प्रिंट कैसा आता है, ओह सॉरी मैंने 5 वैल्यू कर दी। ओके अभी भी ठीक है, अगर हम लोग और बेटर करना चाहते तो हम लोग कर सकते थे यहाँ पे। हम लोग अगर आप प्रैक्टिकल खुद करना चाह रहे हैं हम लोग और भी शेप्स बना सकते हैं इस तरह, इनको आगे पीछे करें, इन्हीं शेप से हम लोग बहुत सारी शेप्स और बना सकते हैं, और भी मेथड होते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेट से बना सकते हैं, नंबर से बना सकते हैं, आप ASCII नंबर से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं वीडियोस लेकर आता हूँ, आप सब्सक्राइब कर दें। ओके जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।